हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी हिंदी की क्लास है और इस क्लास में मैं आपको बड़े ए एनर की मात्रा वाले शब्द लिखना सिखाऊंगी। हमने छोटे ए एड़े की मात्रा वाले शब्द लिखना सीख लिए हैं। अब हम इसके आगे कौन सा अक्षर लेंगे? बड़े ए एनर। इसकी मात्रा कैसे लगती है स्टूडेंट, ये देखिए। जो हमने छोटे एड़े की लिया था उसमें एक सिंगल मात्रा लगती है और बड़े एनर में दो मात्राएं हो जाती हैं किसी भी अक्षर के ऊपर। तो इससे इन मात्राओं को लगाकर हम एक नए शब्द का निर्माण करेंगे। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ वो कौन सा शब्द होता है जिसमें ए एनर की मात्रा लगाई जाती है। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे ब, बकरी का लिखा, उसके ऊपर हमने दो मात्राएं लगाई, और ल, बैल। ये देखिए ब, उस पर दो मात्राएं, सिंगल मात्रा नहीं लिया, डबल मात्रा लिखी, और ल, बैल। तो ये बड़े एनर की मात्रा हो गई। फिर है म, उस पर भी दो मात्राएं, न, उसमें आपकी मात्रा मैना, तोता मैना, हमने नाम सुना होगा ना, मैना एक बर्ड होती है, चिड़िया होती है। तो मैना कैसे लिखेंगे? म पर बड़े एनर की मात्रा यानी दो मात्रा लगेगी और न में आपकी मात्रा मैना। अब थर्ड देखिए, हम लिखेंगे अक्षर प, उसके ऊपर दो मात्राएं लगाई हमने, स, उसमें आपकी मात्रा पैसा। कैसे लिखेंगे पैसा? प, उसके ऊपर बड़े एनर की दो मात्राएं, स, उसमें आपकी मात्रा पैसा। अब देखिए मैं आपको और बताती हूँ, ड, डमरू का, क, कबूतर का, और क पे हमने लगाई दो मात्राएं, और त, डकैत। डकैत कैसे लिखेंगे? ड, फिर क पर दो मात्राएं, और त, डकैत। तो मैंने आपको चार शब्द बताए, बैल, मैना, पैसा और डकैत। ये हमारे बड़े एनर की मात्रा वाले शब्द हैं, बैल, मैना, पैसा, डकैत। आप इस अक्षर को सभी जानते हैं, ये बड़े एनर का है, छोटी है एड़ी और बड़ा है एन। तो इसकी मात्रा इस तरह से लगाई जाती है, आप किस अक्षर पर लगेगी उसके बाद आप कौन सा अक्षर लिखेंगे, इस तरीके से हम इस मात्रा को लगाकर एक नया शब्द बना सकते हैं। तो स्टूडेंट मैंने आपको ब्लैकबोर्ड पर ये अक्षर और इसकी मात्रा दोनों समझा दिए और इस अक्षर और मात्रा के उपयोग करके हमने एक नया शब्द बनाया है। अब मैं आपको आपकी बुक में इस मात्रा को लगाकर नए शब्द बनाना सिखाऊंगी। स्टूडेंट्स, मैंने आपको ए एनक, जो हमारा अक्षर है एनक, उसकी मात्रा वाले शब्द ब्लैकबोर्ड पर बता दिए हैं। अब हम अपनी बुक में ये एक्सरसाइज है, इन्हें फिल करेंगे और ए एनक की जो मात्रा होती है वो किस तरह से लगाई जाती है देखिए। ये यहाँ पर दो मात्राएं दिख रही हैं आपको, किसी भी अक्षर के ऊपर जब दो ये मात्रा लगती है तो वो किसकी होती है? ए एनक की मात्रा। यहाँ पर आपको सबसे पहले कौन सा शब्द दिया है? बैल। ब पर दो मात्राएं लगाई गई हैं और फिर ल, बैल। उसी तरीके से म पे दो मात्रा है और न में आ की मात्रा मैना। फिर प पर दो मात्राएं लगी हुई हैं, ए एनक की, और स में आ की मात्रा पैसा। भैया, भ पर दो मात्राएं हैं और य में आ की मात्रा भैया। फिर तैराक, त पर ए एनक की मात्रा है और र में आ की मात्रा क, तैराक। उसी तरीके से पैमाना, प पर दो मात्राएं देखिए, म में आ की मात्रा और न में आ की मात्रा पैमाना। अब देखिए आपके इस पेज पर मैना का भैया आया, मैना में म पर ए एनक की मात्रा लगी है, भैया में भी वही मात्रा लगी है। गैया, पैदल पैदल, तो इसमें आपको देखिए दो मात्राएं दी, एक हमने ए एड़ी की मात्रा, वो एक ही मात्रा लगाई जाती है, और जब ए एनक की मात्रा लगाते हैं हम तो ये दो मात्राएं लगती हैं। अब देखिए आपको यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज दिए, चित्र देखकर शब्द पूरे कीजिए। यहाँ पर हमें जो खाली जगह दी है उसमें अक्षर लिखना है और उस पर ए एनक की मात्रा भरनी है। तो हम लिखेंगे प, ये पैसे का चित्र है, उसके ऊपर ये दो मात्रा पैसा। फिर ब, उसके ऊपर दो मात्रा बैल। फिर यहां पर देखिए आप म, उसके ऊपर ए एनक की मात्रा मैना। त, उसके ऊपर दो मात्राएं ए एनक की तैराक। अब देखिए रंगीन छपे अक्षर पर ए की मात्रा लगाकर सही शब्द बनाइए। ए की मात्रा का साइन देखिए आप, ये रहा, तो फर्स्ट में हमारा त है रंगीन शब्द, त में ऊपर ए की मात्रा लगी हुई है। अब हम यहाँ कौन सा है? प, प है रंगीन शब्द, इसमें दो मात्राएं लगाएंगे, और पैर,
कौन सा शब्द बन जाएगा ये? पैर। फिर ग है रंगीन, यहाँ उस पर मात्रा लगाई, या गैया। फिर मैना, म पर दो मात्रा, ना मैना। सैनिक, स पर दो मात्राएं, ना छोटी की मात्रा, क सैनिक। फिर हमारा वैदिक, व पर ए एनक की मात्रा, द में छोटी की मात्रा और क वैदिक। अब पैर, सैर, पैसा, थैला, भैया, सैनिक, ये हमारे ए एनक की मात्रा वाले शब्द हो गए सब। अब देखिए आपको नीचे क्या है, ए की मात्रा के स्थान पर ए एनक की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाइए। तो आपको यहाँ एक मात्रा दी गई है, देखिए ऊपर जो शब्द दिए हैं उसमें एक अकेली मात्रा है, सिंगल। अब आपको यहाँ दो मात्राएं लगानी जो बड़े ए की मात्रा होती है, तो बैल, मैल, फिर बैर, सैर। यहां हमें एक सिंगल मात्रा की जगह डबल कर देनी है मात्रा, और गैर। तो ये हमारे नए शब्द बन गए। यहां पर ए एड़ी की मात्रा लगी हुई थी जो देखिए सिंगल मात्रा है, हमने यहां दो मात्राएं लगा दी, उसको ए एनक की मात्रा कहा जाता है। तो स्टूडेंट आपको मैंने ये आपकी बुक में एक्सरसाइज फिल करवा दी है। अब हम इन शब्दों की, अब जो अक्षर है आपका ए एनक का, उसकी मात्रा को हम आपकी वर्कबुक में देखेंगे। स्टूडेंट्स आपको बड़े ए की मात्रा वाले शब्द मैंने आपकी बुक की एक्सरसाइज फिल करवा दी है कि कहाँ पर किस अक्षर पर हमको इस अक्षर की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाने हैं। अब आपकी वर्कबुक में कुछ आपको शब्द दिए गए जो कि इसी मात्रा वाले शब्द हैं, ए बड़े ए की मात्रा वाले शब्द। देखिए यहाँ पर आपको प पर बड़े ए की मात्रा दिख रही है, डबल मात्रा है, और स में आ की। तो सबसे पहला जो शब्द हमारा वो है पैसा। इस तरीके से हम मात्रा लगाएंगे, पैसा। फिर गैस, ग पर ए एनक की मात्रा, स गैस। अब देखिए बैल, ये हो गया बैल। थैला, ये हो गया हमारा थैला। पैसा, गैस, बैल, थैला, ये हमारे बड़े ए की मात्रा वाले शब्द हैं। इसमें डबल मात्रा है, देखिए ऊपर सभी अक्षरों पर डबल मात्रा लगी हुई है। अब नेक्स्ट पेज पर देखिए आप, आपको कौन सा अक्षर दिख रहा है? स। इस तरह से हमने स लिखा, उस पर डबल मात्रा लगाई, दो मात्रा लग रही है, न में छोटी ई की मात्रा और क सैनिक। फिर है आपका ड, डकैत। फिर त, उस पर दो मात्राएं, र आ की मात्रा और क तैराक। क, क पर दो मात्राएं, म और र में आ की मात्रा, कैमरा। सैनिक, डकैत, तैराक, कैमरा। पैसा, गैस, बेल, थैला, सैनिक, डकैत, तैराक, कैमरा, ये हमारी बड़े ए की मात्रा वाले शब्द हो गए हैं। अब देखिए स्टूडेंट आपको पेज नंबर 54 पर यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, तो इन चित्रों को पहचान कर हमें मात्रा वाले शब्द लिखने हैं जो कि बड़े एनक की मात्रा वाले शब्द हैं। तो ये किसका चित्र है? कैमरा। क, दो मात्राएं, म, रा, कैमरा। ये पैसा, प, दो मात्राएं, सा, पैसा। फिर ये क्या है? बैग, बैग। तैराक, ये हो गया हमारा तैराक। डकैत, ड, कै, त, डकैत। ये क्या है? गैस, गैस। फिर आपका है बैल, ब, दो मात्राएं और ल, बैल। सैनिक, स, दो मात्राएं, न में छोटी की मात्रा और क सैनिक। तो ये देखिए कैमरा, पैसा, बैग, तैरा, डकैत, गैस, बैल, सैनिक, ये आपके इस पेज पर मैंने आपको जो चित्र हैं उनको पहचान कर, जो ए एड़ी की मात्रा थी वो सिंगल मात्रा थी और ए एनक की मात्रा डबल मात्रा है, तो हमने अक्षर के ऊपर दो मात्राएं लगाई हैं जो कि बड़े ए की मात्रा होती हैं और उनको लगाकर हमने शब्द बनाए हैं। अब आपका पेज नंबर 55 पे देखिए आपको मात्राएं नहीं लगाई गई हैं और अक्षर लिख दिए गए हैं, तो
तो आपको यहाँ मात्राएं लगानी है, पैर, प पर दो मात्रा लगाएंगे पैर, इसी तरीके से ब पर दो मात्राएं बैटरी, भ पर दो मात्राएं भैया, म पर दो मात्रा मैया, फिर क पर दो मात्रा और बड़ी की मात्रा लगा देंगे कैदी, ये आपको दिख रहा है जेल में अंदर बंदे कैदी, फिर म पर दो मात्राएं मैदान, स पर दो मात्राएं शहर, म पर दो मात्राएं मैना। तो पैर, बैटरी, भैया, मैया, कैदी, मैदान, शहर और मैना, ये मैंने आपको सब बड़ी ए की मात्रा वाले शब्द बता दिए हैं। इसी तरीके से आपको जैसे ए एड़ी की सिंगल मात्रा लगती है ऊपर और बड़े ए एनक की दो मात्राएं लगती हैं। तो ये सारी एक्सरसाइज मैंने आपको बुक में भी फिल करवा दी हैं और आपकी वर्कबुक में भी। आप इन दोनों का वर्क कंप्लीट कीजिए और उसके पिक्चर्स मुझे सेंड कीजिए। थैंक यू।